Hi guys, my name is Himanshu Gupta and we welcome you to the UGC Net Management December 2019 Most Important Question Series. So, आज के इस वीडियो के अंदर हम डे 11 का क्विज अटेम्प्ट करेंगे और उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे. सो देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम कुछ कंज्यूमर बिहेवियर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो चलिए हम बिगिन करते हैं. बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें. और अगर आपको यूजीसी नेट का दिसंबर 2019 के लिए कॉमर्स मैनेजमेंट एंड एचआर का कंप्लीट कोर्स पैक परचेज करना है सो आप वो भी हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. सो आप वहाँ से देख सकते हैं. तो चलिए हम एक एक करके क्विज को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं. सो देखिए, अर्लियर वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि आपको क्विजेस को कैसे अटेम्प्ट करना है. सो हम क्विजेस सेक्शन में जाने के बाद यूजीसी नेट पे जाएंगे. यूजीसी नेट पे जाने के बाद आप यहाँ से क्विजेस सेक्शन में आ सकते हैं. यहाँ पे आप डे 11 की क्विज पे आएंगे. सो बिगिन करते हैं क्विज को. क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है? रैशनल बाइंग मोटिव्स दैट डिटरमाइन परचेस डिसीजंस आर मोस्टली बेस्ड ऑन. सो देखिए, रैशनल बाइंग मोटिव्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. सो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल हैं दैट इज कल्चरल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स. सो देखिए, कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं? कल्चरल फैक्टर्स वो होते हैं जो एक कम्युनिटी के होते हैं, जैसे कि इसके अंदर वैल्यूज आ जाएंगे, बिलीव्स आ जाएंगे आपके. यहाँ पे अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें सो ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करते हैं. हर एक इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल फैक्टर अलग अलग होगा. अगर हम डेमोग्राफिक फैक्टर्स की बात करें, बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन रिलीजन्स, सो इन सब के बेसिस पे अगर आपकी डिसीजंस इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सो ये आपके डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आएगा. बट यहाँ पे रैशनैलिटी की बात की जा रही है. देखिए, रैशनैलिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर अपने पास अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ मनी जो उसके पास है उससे कोई भी अगर वो प्रोडक्ट परचेस करता है और उससे अगर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दैट इज उसको अगर मैक्सिमम यूटिलिटी उसको मिल रही है उस प्रोडक्ट से, सो यहाँ पे उसको रैशनल कंज्यूमर माना जाएगा. सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. बिकॉज देखिए, कल्चर्स और डेमोग्राफिक होते हैं ये बेसिकली कम्युनिटी होती है, दैट इज ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए होती हैं. बट यहाँ पे रैशनैलिटी का मतलब ये है कि कोई भी एक इंडिविजुअल जिसको अगर एक पर्टिकुलर कमोडिटी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर कर सकती है. अब जैसे किसी पर्सन को एप्पल खाने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, ऑन द सेम साइड अगर हम देखें किसी पर्सन को मैंगोस खाने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकती है. सो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फैक्टर्स जो हैं वो डिफर कर रहे हैं. सो यहाँ पे जो आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर होगा वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज बी. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या बोला गया आपसे. विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्री परचेस फेस ऑफ बाइंग. देखिए, कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है तो इसके अंदर कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व हैं जिसके बारे में हमने अपने डिटेल वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है. बट इसीलिए हम यहाँ पे भी इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं. सो देखिए आपके परचेस डिसीजन के अंदर 4 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज प्री परचेस, परचेस, पोस्ट परचेस एंड पोस्ट कंजम्पशन. सो देखिए, प्री परचेस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आपकी आती हैं? नीड आइडेंटिफिकेशन, आप नीड आइडेंटिफाई करते हैं आपको किस प्रोडक्ट की नीड है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपको. इन्फॉर्मेशन सर्च की अगर हम बात करें सो इन्फॉर्मेशन सर्च के अंदर हम ये सर्च करते हैं कि जो जिस चीज़ की हमें नीड है उससे रिलेटेड कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट के अंदर. इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, हमारे पास जो जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उसको हम इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट सूटेबल है. सो अगर हम परचेस डिसीजन की बात करें, यहाँ पे देखिए हमारी प्री परचेस की बात हो रही थी, मतलब अभी तक हमने प्रोडक्ट को परचेस नहीं करा है, अभी हम केवल आइडेंटिफाई करें कि हमें क्या परचेस करना है और उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और हम उसे इवेल्युएट कर रहे हैं. अगर हम परचेस डिसीजन की बात करें तो यहाँ पे हमारे डिसीजंस होते हैं हमें क्या खरीदना है, कब खरीदना है और किसके लिए खरीदना है. सो यहाँ पे हमारे परचेस डिसीजन के अंदर 3 डिसीजंस आते हैं मेनली, तो हमने उनको देखा. नाउ अगर हम पोस्ट परचेस की बात करें सो अगर हमने प्रोडक्ट को परचेस कर लिया है सो यहाँ पे हमारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं दैट इज उसको मेंटेन कैसे करना है हमें और अगर रिपेयर कैसे कराना है अगर उसके अंदर कुछ फॉल्ट आते हैं. तो पोस्ट कंजम्पशन, अगर हमने प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया है सो यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी होती है दैट इज़ फीडबैक प्रोवाइड करना
आप फीडबैक आप किसी भी तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट इंटरमीडियरीज जो हैं उनके थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसा था, आप दूसरों को रिकमेंड भी कर सकते हैं उससे। सो ये थी हमारी कुछ स्टेजेस जिसको हमने देखा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्री परचेस फेस ऑफ बाइंग। अब यहाँ पे प्री परचेस के फेस में नहीं है ये। सो देखिए प्री परचेस में आपकी आती क्या क्या चीज़ें हैं। सो यहाँ पे इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स हमने अभी देखा था कि वो इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स प्री परचेस के अंदर आता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस को हमने डिस्कस नहीं किया था अभी। नीड आइडेंटिफिकेशन हमारा प्री परचेस के अंदर आता है, और इन्फॉर्मेशन सर्च आपका जो आता है वो होता है प्री परचेस के अंदर। सो देखिए अगर हम देखें ए सी एंड डी ऑप्शन जो है ये प्री परचेस डिसीजन के अंदर ही है, बट कॉग्निटिव डिसोनेंस जो होते हैं ये प्री परचेस के अंदर नहीं आते, ये आते हैं पोस्ट परचेस के अंदर। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट थॉट्स। अब बेसिकली आपने किसी प्रोडक्ट को परचेस कर लिया, अब वो कैसा होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो हमारी नीड्स को फुलफिल करेगा या नहीं करेगा, सो ये कई सारी थॉट्स चल रही होती है कंज्यूमर के माइंड में जब तक उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर लेता। सो ये कई सारी जो थॉट्स हमारे माइंड के अंदर आती हैं इसी को कॉग्निटिव डिसोनेंस बोला जाता है, दैट इज इनकंसिस्टेंट थॉट्स। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या बोला गया आपसे। अ मार्केटर शुड अंडरस्टैंड समथिंग सो एज टू टेक द राइट स्टेप्स टू प्रोवाइड द राइट मोटिवेशन टू द कस्टमर एट ईच स्टेज। सो देखिए हर एक स्टेज पे कस्टमर को मोटिवेशन प्रोवाइड करना है मार्केटर को, सो उसको किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कस्टमर को मोटिवेट करने की बात की गई है। सो कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए पहले हमें कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, कस्टमर की नीड को समझना पड़ेगा, और कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है उसको समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, कंज्यूमर परचेस डिसीजंस एंड प्रोडक्ट एडॉप्शन साइकिल। अब यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट की साइकिल पे फोकस किया गया है, बट अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पे बोला गया कंज्यूमर परचेस डिसीजन। सो यहाँ पे कंज्यूमर की क्या नीड है, कंज्यूमर की परचेस डिसीजन को अंडरस्टैंड करने की बात की गई है, सो यहाँ कंज्यूमर पे फोकस्ड है, बट अगर हम ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी की बात करें तो वहाँ पे प्रोडक्ट पे फोकस किया गया है, बट अगर हमें कंज्यूमर को मोटिवेट करना है सो हमें कंज्यूमर की बाइंग नीड्स को देखना पड़ेगा, कंज्यूमर के परचेस डिसीजन को समझना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया आपसे। अ कस्टमर डिसाइड व्हाट टू बाई, व्हेन टू बाई एंड फ्रॉम व्होम टू बाई अंडर विच स्टेज ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। सो हमने अर्लियर वीडियोज में आपसे डिस्कस किया था कि व्हाट टू बाई, व्हेन टू बाई और फ्रॉम व्होम टू बाई किस कौन से स्टेजेस के अंदर आता है। सो ये परचेस डिसीजन के अंदर आता है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा परचेस डिसीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ कस्टमर इज सेट टू बी डिलाइटेड विद द प्रोडक्ट व्हेन। सो कस्टमर डिलाइटेड होगा अगर प्रोडक्ट का प्रीसीव्ड वैल्यू इक्वल है रिसीव्ड वैल्यू के, प्रीसीव्ड वैल्यू लेस देन है रिसीव्ड वैल्यू के, प्रीसीव्ड वैल्यू ग्रेटर देन है रिसीव्ड वैल्यू के। सो देखिए यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर 1 देखें, सो आपने जितना सोचा था कि किसी प्रोडक्ट से आपको कितनी यूटिलिटी मिलेगी, अगर आपको उतनी ही यूटिलिटी मिली है दैट इज उतनी ही वैल्यू प्रोवाइड की गई है, सो यहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा। बट अगर आपकी प्रीसीव्ड वैल्यू कम थी, आपने एक्सपेक्टेशन आपकी कम थी बट आपको वैल्यू ज़्यादा मिली है, सो यहाँ पे आप डिलाइटेड होंगे, आप यहाँ पे ज़्यादा हैप्पी होंगे बिकॉज आपको जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी उससे ज़्यादा वैल्यू मिली है। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ बोला गया है प्रीसीव्ड वैल्यू ग्रेटर देन रिसीव्ड वैल्यू। सो यहाँ पे प्रीसीव्ड वैल्यू आपकी ग्रेटर है, दैट इज आपने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा की थी बट आपको मिली है जो एक्चुअल में वैल्यू वो कम है। सो यहाँ पे ये एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करेगा इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। सो आज हमने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। अगर इससे रिलेटेड आपको और वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कॉमर्स मैनेजमेंट एंड एचआर का कंप्लीट कोर्स पैक परचेस करना है तो आप वो भी हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है सो आप हमारे गिवन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। सो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।